सो हे एंड वेलकम गाइज, अगर आप एक YouTube क्रिएटर है, YouTube पर अपना कंटेंट वीडियो बनाते हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि पिक्सल लैब क्या है। आप थंबनेल क्रिएट करते होंगे, उसके लिए एक पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन को डेफिनेटली यूज़ करते होंगे। तो उसमें जो रिसेंटली इशू आ रहा है कि आप उसमें नए फॉन्ट ऐड नहीं कर सकते, नए फॉन्ट ऐड नहीं कर पा रहे, उस चीज़ का सोल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अच्छे से अच्छे बेस्ट टू बेस्ट फॉन्ट कहाँ से लेने, कैसे ऐड करने पिक्सल लैब में, तो ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रेट रास्तांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट करेंगे, रील्स वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, आपको जल्दी रिवील करेंगे कैसे रील्स अच्छी से अच्छी आप बना सकते हैं, कैसे शूट अच्छा कर सकते हैं, कैसे रील्स को वायरल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, पेटीएम कैश गिवअवे वगैरह सब कुछ वहाँ पर, एक हिडन टिप्स टिप सब कुछ स्टार्ट होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हेलो गाइस, इट्स महेश एंड यू आर वॉचिंग ग्रेट रास्तांडे अगेन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आ जाते हैं गाइज हमारी मोबाइल की एंड्रॉयड स्क्रीन पर, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन। सबसे पहले जो पिक्सल लैब आपके पास जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसको करना है अनइंस्टॉल, वो एप्लीकेशन जो लेटेस्ट है प्ले स्टोर से उसको अनइंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से आपको इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। और सिंपली आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ लिखना है पिक्सल लैब, तो सबसे ऊपर आपको अप टू डाउन नाम की वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको पिक्सल लैब का डिटेल मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको देखिए गेट लेटेस्ट वर्जन, उसके नीचे है द ओल्डर वर्जन, तो ओल्डर वर्जन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ओल्डर वर्जन आपको कौन सा लेना है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, उसमें आप फॉन्ट्स वगैरह ऐड कर पाएंगे और सारी कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके अंदर आपको लेना है 1.9.9, यानी कि ये 1.9.9 जो कि नवंबर 15 2020 का है, ये आपको सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अप टू डाउन वेबसाइट से, राइट। तो यहाँ से आपको सिंपली जैसे डाउनलोड का आपको क्लिक का मिल जाएगा ऑप्शन, आपको यहाँ से सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये हमने आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना एंड देन इंस्टॉल कर लेना इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन को 1.9.9। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी फॉन्ट्स ऐड की इशू नहीं आने वाली है। तो इसको आपको सिंपली आपको फिर प्रैक्टिकली सारा दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ एलो परमिशन दे दिए और देखिए ये फॉन्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हम जाते हैं फॉन्ट सेक्शन पे, राइट। अब फॉन्ट सेक्शन पे हम जैसे गए, यहाँ पे देखिए जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ आपको देखिए सारी की सारी आपको जो मैंने फॉन्ट्स वगैरह लिए हैं वो देखिए, एक फॉन्ट ऐड करके दिखा देता हूँ और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि फॉन्ट्स कहाँ से अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो ये देखिए फॉन्ट्स ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए इजीली आप फॉन्ट ऐड कर सकते हैं ऐड डायरेक्टरी करके। तो ये देखिए ये फिर से फॉन्ट हमने ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉन्ट्स यहाँ पर ऐड कर पाएंगे 1.9.9 में, जो कि आपको अप टू डाउन वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब जाते हैं, हम दिखा देता हूँ आपको फॉन्ट्स कहाँ से अच्छे हैं। तो आपको सिंपली लिख देना है फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स आप लिखेंगे या आप डायरेक्ट डा फॉन्ट्स भी लिख सकते हैं, DAFONTS भी लिख सकते हैं। और ये देखिए DAFONT फॉन्ट नाम की वेबसाइट मिल जाएगी डा फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आपको सिंपली जो भी आपको फॉन्ट पसंद है, बहुत सारे ऊपर ऑप्शंस हैं, लाखों फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली फॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है और जो फॉन्ट्स भी आपको चाहिए उसके जस्ट आगे एक डाउनलोड का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है, वो फॉन्ट आपकी फाइल मैनेजर में सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है फॉन्ट ऐड करने के लिए, वो प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। अपन को जो जो फॉन्ट्स यहाँ पर चाहिए, बहुत सारे आप जाए जितने फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, जितने डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सिंपली एक्सट्रैक्ट करके आप सिंपली अपने पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जितने भी फॉन्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, अभी दो चार आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप चाहे जितने फॉन्ट्स यहाँ पर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं अपने पिक्सल लैब में और यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिव एक बहुत ज़बरदस्त वाले थंबनेल बनाने के लिए। तो अब सिंपली जाता हूँ हमारे फाइल मैनेजर में। अब देखिए यहाँ डाउनलोड का जो ऑप्शंस है वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने कभी bs.gip इसको किया, इसको सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये फाइल आती है zip फाइल में, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये हो गया। अब सिंपली आपको पिक्सल लैब वापस ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पिक्सल लैब में गया और यहाँ आपको फॉन्ट ढूंढना है जो हमने अभी रिसेंटली लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे नीचे जाते हैं हम और देखिए लास्ट में आपको फॉन्ट मिल जाएगा, ये देखिए गमी बियर। तो इसको सिंपली टिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास ये फॉन्ट आ गया। अब आपको इसको सिंपली आपको यूज़ करना आता ही होगा। अगर आपको नहीं पता कि एक बेस्ट थंबनेल बनाते कैसे हैं, मेरे जैसे एचडी थंबनेल अच्छे अच्छे फॉन्ट्स के साथ, फॉन्ट्स कलर चेंजिंग और सारी कुछ, एक डिटेल मैंने पिक्सल ऐप पर एक वीडियो बनाया रिसेंटली, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और आई बटन में वो वीडियो भी दे दूंगा। वो वीडियो आप देख लेना, आप एक अच्छा सा क्रिएटिव एक एचडी
फुल एचडी थंबनेल आप क्रिएट करके एक अच्छी व्यूअरशिप ला सकते हो। तो आई होप यार वीडियो अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली लगा ही होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए भैया जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।